बीजापुर शहर विधानसभा इलेक्शन में बोगस वोटिंग के चलते बेंगलुरु लोकायुक्त पुलिस थाने में केस दर्ज। 38 सरकारी अधिकारियों पर बोगस इलेक्शन आईडी कार्ड बनाने के चलते केस दर्ज किया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजापुर शहर में चिंचुड़ी, सेडम, नागथान और कई जिलों से कई कर्मचारी बीजापुर शहर पहुंचकर 10 मई को बोगस वोटिंग डाला था और कईयों को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया था और इनमें से कईयों ने बताया था कि हम बीदर जिले चिंचोड़ी गांव के हैं और बसनगौड़ा पाटिल ने हमारा वोटिंग कार्ड बनाया था, इसीलिए हम वोट डालने बीजापुर शहर आए थे। मगर उस वक्त ना ही प्रशासन के जरिए और ना ही इलेक्शन ऑफिसर्स के जरिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसी के चलते हमीद मुशरीफ, जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, इसकी शिकायत डीसी से भी की थी, मगर कोई कार्रवाई होते दिखाई नहीं दी। तो उन्होंने अब इस बोगस वोटिंग के मामले को बेंगलुरु लोकायुक्त ऑफिस में केस दर्ज किया है, जिसकी जानकारी हमीद मुशरीफ के वकील इनायत रोजेवाले ने दी है, सुनिए। ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಲೋಕಾಯತನಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಮುಶ್ರೀಫ್ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಲೋಕಾಯತ್ ಪಿಟಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, 3074/2023. ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್, ಬಿಜಾಪುರ ನಗರ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆ ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಹೇಶ್ ಮಾಲ್ಗುತಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್, ಅವರು ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ನಿದ್ದರು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ 36 ಸಿಬ್ಬಂದಿ BLO, ಇವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚೀಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಫಾರ್ಜರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. इस कंप्लेंट में साफ साफ बताया गया है कि इस बोगस वोटिंग में शहर के सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं और कंप्लेंट टोटल 38 अधिकारियों पर किया गया है, जिसमें बीजापुर के असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन महेश मालगीती और बीजापुर के तहसीलदार सुरेश मंजे, सरिसदार विजय कुमार उतनार, फर्स्ट डिवीजन असिस्टेंट विश्वनाथ सी उत्कोर, सेकंड डिवीजन असिस्टेंट अरविंद पवार, इलेक्शन होटर आइडेंटिटी कंप्यूटर ऑपरेटर कोब्बार, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रतन एच गोसावी, ये सभी 9 रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं और एजुकेशन डिपार्टमेंट से 29 टीचर्स को सरकार ने BLO बनाया था। इन सभी पर भी आरोप है कि इन्होंने नकली पेपर्स लेकर बाहर शहर के वोटर्स को, बीजापुर शहर के वोटर्स बनाकर BJP के उम्मीदवार को हेल्प की है। अब कई सबूतों के आधार पर इन 38 अधिकारियों पर बेंगलुरु लोकायुक्त ने FIR दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है इन सभी अधिकारियों ने मिलकर बसनगौड़ा पाटिल की चुनाव में मदद करने के लिए नकली पेपर रेडी करके बोगस वोट बनाए थे ताकि बसनगौड़ा पाटिल को हेल्प हो सके। इसी के चलते बेंगलुरु लोकायुक्त ऑफिस में केस दर्ज किया गया है। अब इसकी हकीकत लोकायुक्त ऑफिस इन्वेस्टिगेशन करने पर ही पता चलेगी, इस मामले में कौन कौन शामिल हैं और ये काम किसके कहने पर किया गया है, इसका खुलासा होगा। मैं तो यही कहूंगा, अगर बोगस वोट बनाए गए हैं तो ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्कैम है और जो जो भी इस मामले में शामिल हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो जनता अपना नेता खुद चुनती है उस जनता के साथ भी बड़ा धोखा है। अगर अधिकारी नेताओं के साथ मिलकर इस तरह दूसरे शहर के गांव के वोटर्स को शहर का वोटर्स बनाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उस मत क्षेत्र की जनता कैसे
अपना नेता चुन सकती है। ये कानून को भी सोचना होगा। अब मामला लोकायत की चौकट पर पहुंच गया है। अब देखते हैं इस मामले में क्या क्या कार्रवाई होगी और किस किस अधिकारी को सस्पेंड किया जाएगा। अगर इस मामले में अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो क्या दोबारा इलेक्शन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन। मैं हूं शकील बागमारे।